मुझे आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। मेरे साथ दो पेट्स हैं जिनका नाम लियो और लीजा है। अभी जिस कॉलोनी में मैं रह रही हूँ, जिस अभी मतलब जो रूम ओनर है हमारे, उनका कॉल आता है मेरे पास और उन्होंने बहुत सिंपल से मुझे बोला, या तो तुम अपने कुत्तों को बाहर छोड़ दो लवारिस, बाकी स्ट्रीट डॉग के साथ और मिलकर वो लोग सर्वाइव कर लेंगे, या फिर तुम अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो मेरा घर खाली कर दो। पहले भी हमारे साथ ऐसा होता आया है, हम पीजी में रहते थे और भी रेंटल घर अपार्टमेंट में रहते थे। आपको बिलीव नहीं होगा बट मैं पिछले 6 महीने में 5 से 7 घर बदल चुकी हूँ। पहले सब रबनी को एग्री हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई इशू करके, और मैं हर जगह परमिशन लेके शिफ्ट होती हूँ। ये भी नहीं कि बस मैं कमान लेके गई और बच्चों को लेके शिफ्ट हो गई, नहीं। पहले मैं उनसे यही इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 डॉग्स हैं, आपको कोई इशू ना हो। और मेरे बच्चों से किसी को इशू नहीं हो सकता क्योंकि मैं 12 घंटे की ड्यूटी पर करती हूँ, मैं ही उनको बाहर ले जाती हूँ। तो जब मैं 12 घंटे की ड्यूटी करी तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे कितने बाहर जाते होंगे। दिन भर वो बच्चे घर में रहते हैं, मेरे डॉग्स वैक्सीनेटेड है, किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाते, ना वो फ्रेंडली है। बाकी आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग्स अटैच कर रही हूँ, आप लोग प्लीज सुनिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज। कुछ तो नहीं है, समझ रही हो ना? हेलो, हाँ अंकल, इसीलिए कह रहे हैं बाबू, इसका इसका इंतजाम कर दो, इसको कहीं भिजवा दो गांव पर जो है कोई, या फिर आवारा छोड़ दो। अरे दो दो चार दिन का कुत्ता कितना, आदमी तो आदमी को पहचान ही नहीं रहा, बाप तो बेटी को पहचान ही नहीं रहा है, कुत्ता तुमको कितना पहचानेगा? दो चार दिन आवारा कुत्तों के साथ मिक्स हो जाएगा, समझी ना? अच्छा। और अगर इसी तरह का प्यार है, इस स्तर का प्यार है कि इंसान के जज्बे से ज्यादा अगर कुत्ता से प्यार हो गया है तो भैया उसका कोई उपाय नहीं है। तब तो यही है ना कि भाई सबको यहाँ दहशत में हम तो नहीं रखेंगे, पूरे बिल्डिंग के आदमी को, एक एक आदमी दहशत में है, हमसे जिक्र करता है ना ऊपर में, अरे नीचे जाने में डर लगता है, कुतवा खुला मत हो, अरे आने में गेट खटखटाने में डर लगता है कि कुतवा खुला मत हो। अब बताओ इस तरह के दहशत के साय में कैसे हम रखें सबको? सबके लिए जिम्मेदार हम ही है।